Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जब मैं कोई कर रहा था तो मुक्ता वाणी का एक जोधा मेरे वाणी अफसर के पास आया, बोला शेख मुझे रहमान की फैमिली जो है कैद में, पाकिस्तानी कैद में है और वो कभी भी उनको मार सकते हैं और एक दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की तो, लेकिन हमारे चीजों ने सोचा अभी आप सरेंडर हो गया, शायद ऐसी सीरियस बात ना हो। मैंने अपना हथियार जो है अपने दो जवान से उनको दिया, उनको बोला आप आके मत आए। जब ही मैं चलने लगा लोगों ने मुझे रोका, फिर भी मैं नहीं माना, मैं आगे चला। जब वो कार जो थी वो डेढ़ बारी के पास पहुँचा, मैं वहाँ रुक गया। मैंने हिंदी में बोला कोई है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, इस बीच पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। लंबे समय तक बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ले चुकी हैं। इस बीच भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश के इन हालातों पर दुखी। बांग्लादेश को आजाद करने में भारतीय सेवा का बड़ा योगदान था। ऐसी ही सेवा के रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा है, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। कर्नल तारा ने अपनी जान दांव पर लगाकर शेख हसीना के परिवार का पाकिस्तानी फौजियों से जान बचाई थी। दरअसल बांग्लादेश की आजादी को लेकर जब भारतीय सेना बांग्लादेश में उतरी, तब रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा की पोस्टिंग अगरतला में थी। ऑर्डर मिलने के बाद कर्नल अशोक तारा भी बॉर्डर पार कर बांग्लादेश यानी तब के पाकिस्तान में घुस गए। ढाका में पहुंचने पर रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा को पता चला कि पाकिस्तान के फौज ने शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को बंधक बना रखा। तब अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल अशोक तारा शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर पहुंचे और पाकिस्तानी फौजियों को किसी तरह सरेंडर करवाया। इस दौरान पाकिस्तानी फौजियों ने रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा पर गोली भी चलाई, हालांकि वो बच गए। उन दिनों को याद करते हुए तारा सिंह कहते हैं, जब मैं कोई कर रहा था तो मुक्ता वाणी का एक जोधा मेरे वाणी अफसर के पास आया, बोला शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली जो है कैद में, पाकिस्तानी कैद में है और वो कभी भी उनको मार सकते हैं और एक दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की तो, लेकिन हमारे सीओ ने सोचा अभी यार सरेंडर हो गया, शायद ऐसी सीरियस बात ना हो। मुझे बुलाया गया, अशोक देखो इनकी क्या, इसको दूर करो। मैंने भी इतना सीरियस नहीं लिया, क्यों सरेंडर हो चुका है, शायद बात इतनी मुश्किल ना हो जितना बता रहे। मैं उस गाइड को लेकर, दो जवानों को लेकर उस घर की तरफ बढ़ गया। अब चला गया, वो 15 मिनट का रास्ता था, उधर हम बढ़ गए। अभी जब हम घर के पास पहुंचे तो वहां पर बहुत भीड़ थी, उसमें बीबीसी की मीडिया, इंडियन मीडिया, बांग्लादेश मीडिया, लोकल पेपर और मुक्तिवाणी और लोकल लोग भी थे। उन्होंने मुझे रोक दिया, कहते आप मत जाइए आगे, वो अभी फायर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे ऊपर कुछ दिन पहले फायर किया है। और फिर उन्होंने मुझे एक कार दिखाई जो बुलेट थी, उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी थी लेडी डॉक्टर की। तो उन्होंने बोला ये लेडी डॉक्टर है लेकिन रिपोर्टर भी है, ये जा रही थी, इसको फायर किया, इनको मार दिया। और मुझे उन्होंने बोला आप मत जाइए। अभी मेरे सामने टास्क था उस फैमिली को बचाने का, और मैंने सोचा कि अगर मैं अपने सीनियर से पूछूंगा टाइम लगेगा, फौज आएगी, मेरे पास दो जवान है, हमला नहीं कर सकता, तो मानी बात है कि मुझे ऐसी कार्रवाई करनी है। शायद मैं आपको ये बता दूं कि मैं भारतीय फौज का एक पहली पैरा कमांडो बटालियन है, मैंने उसमें सर्व किया है और उसके बाद 2 पैरा स्पेशल फोर्स में भी किया है। तो मेरे अंदर वो एक हिम्मत थी और मैं जोश था मेरे अंदर, ठीक है, वो जो एक था वो डर इतना नहीं था मेरे अंदर। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसे ही उनको गट से बिट से साइकोलॉजिकली करूँ, क्योंकि सरेंडर तो हो चुका है। तो मैंने अपना हथियार जो है अपने दो जवान से उनको दिया, उनको बोला आप आके मत आए। जब ही मैं चलने लगा लोगों ने मुझे रोका, फिर भी मैं नहीं माना, मैं आगे चला। जब वो कार जो थी वो डेढ़ बारी के पास पहुंचा, मैं वहां रुक गया। मैंने हिंदी में बोला कोई है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इंग्लिश बोला इज देयर एनीबॉडी, कोई जवाब नहीं दिया। मैं आस्ता आस्ता फिर आगे बढ़ा, जब घर के जो गेट है उसे 5 कदम पहले था, उन्होंने मुझे बोला आप रुक जाओ, हम गोली मारेंगे। मैंने बोला मैं भारतीय फौज का मेजर हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बांग्लादेश फौज ने जो के सामने
पाकिस्तान फौज ने सरेंडर कर दिया है, बांग्लादेश आजाद हो गया है, आप भी सरेंडर कर दो। लेकिन वो इसको मानने को नहीं थे। उन्होंने वो पंजाबी बात थी, हमारी पंजाबी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत गालियां मुझे दी, मेरे देश को गालियां दी और लोगों को बोला कि ये कौम गुलामों की कौम है, डरपोक कौम है, हम इनकी फिक्र नहीं करते, हम इनको खत्म कर देंगे। ये तो इस तरह बहुत बातें की, लेकिन मैं खड़ा रहा, सुनता रहा। इतने में भारतीय हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से होगा, तो मैंने बोला देखो वो भारतीय का हेलीकॉप्टर कभी आपने देखा है? वो चुप रहे। मैंने कहा इसका मतलब यह है भारतीय फौज हेली ढाका में आ गई है, और मैं यूनिफॉर्म में बिना था कि ढाका को पार करके आपके पास आया हूँ, या आपको जाना काफी। अब वो थोड़े चुप, लेकिन फिर भी वो नहीं सरेंडर करना चाहते थे। उन्होंने मुझे डराया, बोला अब नहीं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया हथियारों को लोड करने का। जब भी देखा मैं नहीं हिला, उन्होंने एक फॉर्म फायर किया मेरे ऊपर जो कि पब्लिक में पीछे थी, उसको मुझे डराने के लिए, और बोला कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे अगला राउंड हम आपके फायर करेंगे। नोएडा से भूपेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।